डियर फ्रेंड्स नमस्ते। देखिए सॉयल मैकेनिक्स से रिलेटेड 18 क्वेश्चन बोर्ड पर नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग। देखिए एक्चुअल में जो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल होता है वह रिक्वायर होता है कंडक्टिंग, देखिए कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए, कंसोलिडेशन टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए अनडिस्टर्ब सैंपल की जो है जरूरत पड़ती है। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले सॉइल कैन नॉट बी डन विदाउट। देखिए जो शियर स्ट्रेंथ क्ले का टेस्ट करने के लिए, ध्यान दीजिए, कैन नॉट बी डन, नहीं कर सकते बिना, देखिए अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपलिंग के, बिना अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपलिंग के जो है आप जो क्ले सॉइल है उसका शियर स्ट्रेंथ की जांच नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्ले सॉइल के शियर स्ट्रेंथ के चेकिंग के लिए, टेस्ट के लिए जो है कैसा सैंपल चाहिए, तो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल चाहिए। देखिए जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, द वाइड्स स्पेस बिटवीन द सॉइल ग्रेन्स इज फील्ड पार्टली विथ एयर। देखिए एक्चुअल में जो सॉइल ग्रेन होता है, जो सॉइल मास होता है, उसमें जो वाइड्स होते हैं, वह जो वाइड्स वो किससे फील्ड होते हैं, तो देखिए इसमें गिवन है पार्टली एयर और इसके बाद जो आंसर है पार्टली विथ वाटर। इसका मतलब देखिए जो वाइड्स हैं सॉइल सैंपल में वह जो है पार्टली विथ एयर और पार्टली विथ वाटर से जो है क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। देखिए फोर नंबर का जो क्वेश्चन है, इन परफेक्टली सैचुरेटेड सॉइल, मान लीजिए परफेक्टली सैचुरेटेड सॉइल है तो द वाइड्स आर कंप्लीटली फिल्ड विथ, तो देखिए अगर परफेक्टली सैचुरेटेड सॉइल है तो उस केस में जो वाइड्स होगा सॉइल सैंपल के अंदर वो कंप्लीटली फिल्ड होगा बाय वाटर, वाटर से कंप्लीटली फिल्ड होगा, इस केस में एयर नहीं होगा, वाइड्स में एयर नहीं होगा। देखिए जो फाइव नंबर का क्वेश्चन है, इन ड्राई सॉइल के केस में द वायर्स आर कंप्लीटली फिल्ड विथ, देखिए ड्राई सॉइल के केस में जो सॉइल सैंपल के अंदर वायर्स होगा वो कंप्लीटली जो है फिल्ड विथ एयर होगा, इसमें वायर्स के अंदर वाटर नहीं होगा, दोनों सिचुएशन आप समझ गए होंगे। देखिए सिक्स नंबर का क्वेश्चन क्या है, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन, सॉइल का जो है बियरिंग कैपेसिटी किस पर डिपेंड करता है, सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी किस पर डिपेंड करता है, तो देखिए साइज ऑफ पार्टिकल्स पर, जो सॉइल मास है उसका साइज क्या है, पार्टिकल का साइज क्या है। इसके बाद देखिए शेप ऑफ पार्टिकल्स, शेप क्या है, पार्टिकल्स का शेप क्या है, और देखिए कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के कोहेसिव प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और देखिए इंटरनल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स, देखिए इंटरनल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, पार्टिकल के अंदर जो इंटरनल जो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है।
बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। देखिए जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, इफ सॉइल कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर्स, मान लीजिए सॉइल के अंदर जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है अवेलेबल हो, मान लीजिए देन सॉइल विल बी, तो इस केस में जो सॉइल होगा वह स्पॉन्जी नेचर का होगा, स्पॉन्जी नेचर का होगा। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फूटिंग इन सैंडी सॉइल। देखिए बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फूटिंग, मान लीजिए सैंडी सॉइल है और उसके ऊपर जो है मान लीजिए फूटिंग का निर्माण किया गया है, तो देखिए तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फूटिंग इन सैंडी सॉइल फ्रॉम सेटलमेंट कंसिडरेशन से जो है इज नॉट मच अफेक्टेड बाई, देखिए सेटलमेंट कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अफेक्टेड नहीं होता है, अफेक्टेड नहीं होता है, तो किससे, विर्थ ऑफ फूटिंग से जो है ये जो सेटलमेंट कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सैंडी सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी है वो अफेक्टेड नहीं होता है। देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, ओएमसी स्टैंड्स फॉर, ओएमसी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। देखिए जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, एमडीडी स्टैंड्स फॉर, एमडीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। देखिए जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। देखिए जो ड्राई डेंसिटी होता है और बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल होता है उनके बीच रिलेशन क्या होता है, तो देखिए एक्चुअल में ड्राई डेंसिटी इक्वल टू बल्क डेंसिटी अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बल्क डेंसिटी अपॉन 1 plus moisture content। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, गामा डी इक्वल टू, देखिए ड्राई डेंसिटी है बल्क डेंसिटी, तो गामा बी अपॉन 1 plus मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट को क्या करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से शो करते हैं, तो देखिए यही है गामा डी इक्वल टू गामा बी बल्क डेंसिटी अपॉन 1 plus वाटर कंटेंट। देखिए इसके बाद जो है 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, पोरोसिटी को भाई और क्या कर, भाई क्या कहते हैं, तो देखिए परसेंटेज ऑफ वाइट, पोरोसिटी इज आल्सो नोन एज परसेंटेज ऑफ वाइट्स, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ वाइट्स जो होता है वह पोरोसिटी के इक्वल होता है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, मान लीजिए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, तो 100% होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 100% होगा अगर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है तो। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर परफेक्टली ड्राई सॉइल, मान लीजिए परफेक्टली जो है परफेक्ट ड्राई सॉइल है, तो उस केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, तो उस केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0% होगा ड्राई सॉइल के केस में।
डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो है 0% होगा। देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, फॉर पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, मान लीजिए पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल है, परफेक्टली सेचुरेटेड भी नहीं है और ड्राई भी नहीं है, बीच का है, पार्शियली सेचुरेटेड, ठीक है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन विल बी, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा, तो देखिए बिटवीन 0% to 100%, तो 0% और 100% के बीच होगा। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, ड्राई यूनिट वेट इज यूज्ड एज ए मेजर ऑफ डेंसनेस। देखिए ड्राई यूनिट वेट को यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, किसके मेजरमेंट के लिए, डेंसनेस के लिए, डेंसनेस। 17 नंबर का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट, जो देखिए स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है उसको यूज किया जाता है किसके लिए, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इन लेबोरेटरी। तो देखिए जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट होता है उससे जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में, किसमें, लेबोरेटरी में। देखिए जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट इज सुटेबल, मतलब सुटेबल होता है किस प्रकार के सॉइल के लिए ये सुटेबल होता है, तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए ये सुटेबल होता है। तो देखिए इस तरह जो है 18 क्वेश्चन और उसके आंसर आपको बताए गए। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है, अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।